इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। और आजम खान का परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार इसी तरीके से पुलिस और अन्य जो जांच एजेंसियां उनके शिकंजे में आ, न्याय की उम्मीद लगाते हुए जो है अब आगे भी अपनी याचिका यहां पर दायर कर सकते हैं, जिसमें अखिलेश यादव का अगर उनको साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा हो सकता है और यहां पर उनकी रिहाई के जो है रास्ते खुले यहां पर हो सकते हैं। लेकिन अदालत में जाएंगे तो निष्पक्ष तरीके से अदालत यहां पर जो है जांच करेगी, उनकी बात सुनेगी और हो सकता है उनको यहां पर अंतरिम जमानत। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का एक कद्दावर नेता उनके हाथों से चला जाता है, एक सीट उनके हाथों से फिसलती हुई नजर आती है और वो सीट रामपुर की होती है। और यहाँ पर जिस नेता की बात कही जा रही है वो आजम खान है। आजम खान को, उनके बेटे को और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई गई और ऐसे में रामपुर जेल में बंद है यहाँ पर उनकी पत्नी। और यहाँ पर बेटे और यहाँ पर पति की बात करें, आजम खान को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक एक तरीके से तांता लगता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कभी उनके बेटे मिलने आते हैं तो कभी यहाँ पर उनकी बुआ मिलने आती हैं। यहाँ पर आजम खान से, तंजीम फातिमा से और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी को रामपुर की सीट से कई बार चुनाव भी जिताया है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाएंगे? क्या यहाँ पर डिंपल यादव, जो आजम खान को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, क्या वो डिंपल यादव तंजीम फातिमा से मिलने जाएंगी? क्या यहाँ पर किसी को राहत मिलती हुई भी नजर आएगी? तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दौलत। दौलत, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी आजम खान से या उनके परिवार वालों से मुलाकात करने नहीं पहुंचा है, आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उन्हें नहीं लगता है कि अब उन्हें वहां पर मुलाकात करने जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही नेता जो उन्हें कई बार चुनाव जिता चुके हैं और उनसे वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, देखा जाए तो आजम खान का रुतबा जो है रामपुर में, वहां पर पूरे रामपुर में उनका रुतबा है और लगातार यहां पर वो यहां पर चुनाव जीते हुए हैं। अब उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से आ चाहिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और ना ही डिंपल यादव और बड़े जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो उनसे मिलने नहीं जा रहे। और हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर आजम खान पहले उनके काफ़ी बहुत करीबी थे, वो मुलायम सिंह के भी करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो जब 2017 के बाद सत्ता पलटी और उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा, जब बसपा की सरकार थी तब जो है मुख्तार अंसारी और आजम खान उन सभी के परिवार पर शिकंजा कसा जाने लगा, तब से कहीं ना कहीं रिश्तों की पकड़ उनके बीच जो है ढीली हो गई। क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनकी पार्टी या फिर उनकी छवि यहाँ पर खराब हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा इलाका है और वो हर जगह अपना रुतबा जमाना चाहते हैं। उनकी भी सरकार रही थी, उनके जो पिता थे मुलायम सिंह यादव, उनकी भी सरकार रही थी, तो वो रुतबा वो लगातार बरकरार रखना चाहते हैं। भले ही उनके यहाँ सरकार ना हो, लेकिन वो विपक्ष में इतने दमदार रहना चाहते हैं कि कोई भी उनकी छवि के ऊपर सवाल ना उठा सके। खुद अखिलेश यादव जो है एक पूरे राज्य के एक बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की भी अब वो तैयारी कर रहे हैं। PM उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जा रहा है, उनकी पार्टी के लोग ही उनको PM उम्मीदवार के नाम पर आगे कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब ना हो, पार्टी के नेता ही ऐसा ना करते नजर आए, तो इसलिए आजम खान से दूरी मेरे को लगता है कि उन्होंने इसीलिए यहाँ पर जो है बनाकर रखी होगी। भले ही प्रतिक्रिया उन्होंने इस पूरे मामले पर दी, कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से जब विपक्ष में हम आए तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, उससे पहले हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी विपक्ष में आती है तो कार्रवाई उनके ऊपर लगातार होती है। और आजम खान का परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार इसी तरीके से पुलिस और अन्य जो जांच एजेंसियां उनके शिकंजे में आ रहा है और पार्टी कहीं ना कहीं उनका हाथ छोड़
मूर्ति नजर आ रही है। यहाँ पर आजम खान ने जब उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी तो एक बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए थे कि फैसला सुनाने में और इंसाफ मिलने में बहुत फर्क है। तो क्या वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो 7 साल की सजा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, या उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी उन्हें जल्द जेल से रिहा भी करवा पाएगी? क्या लगता है उनके इस बयान को लेकर कि उन्होंने कहा कि फैसले और इंसाफ होने में बहुत फर्क है और जल्द उन्हें इंसाफ भी मिलता हुआ नजर आएगा? यहाँ पर चुनौती देना और यहाँ पर सपा का उनके साथ खड़ा होना, दोनों यहाँ पर उनके पास बड़े ऑप्शन है उनके जेल से रिहा होने का, या फिर चुनाव के वक्त ये ऐसा हो कि पार्टी की छवि खराब ना हो। लगातार सभी विकल्प को वो साधते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर अपने आप को बचाएंगे। और इसलिए उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि यहाँ पर फैसला सुनाने और इंसाफ में काफी अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि फैसला जो है एक ही पक्ष को सुनकर यहाँ पर किया गया है, लेकिन कोर्ट के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो सभी सबूतों को सभी पक्षों को सामने रख के अपना फैसला सुनाते हैं। हालांकि ये देखा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है और बीजेपी पर उन्होंने उस समय कई बहुत ज्यादा वार किए थे जब यहाँ पर योगी प्रशासन में नहीं थे। योगी जब MP थे तो हमने संसद में भी उनको रोते हुए देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से सपा पार्टी के लोग और अखिलेश यादव उनको टारगेट करते थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब हमसे बदला लिया जा रहा है, अब यहाँ पे अब हमें विपक्ष होने का भुगतान यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है और सीधा फैसला सुनाया जा रहा है, हमें यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। और वो न्याय की उम्मीद लगाते हुए जो है अब आगे भी अपनी याचिका यहाँ पर दायर कर सकते हैं, जिसमें अखिलेश यादव अगर उनको साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बड़ा हो सकता है और यहाँ पर उनकी रिहाई के जो है रास्ते खुल सकते हैं। यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो तिहाड़ जेल में बंद थे लेकिन अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाते हैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो ऐसे में देखा जाए तो तंजीम फातिमा एक महिला होने के नाते और दूसरा शुगर की पेशेंट भी बताई जाती है, तो क्या यहाँ पर तंजीम फातिमा को अंतरिम जमानत मिल सकती है अगर वो याचिका दाखिल करें या वो अपील करें यहाँ पर कोर्ट की तरफ से, यहाँ पर कुछ ऐसा कदम उठाए, तो क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले उनको यहाँ पर अपील करनी होगी, वो अपनी स्वास्थ्य जो उनकी हालत है उसकी तहरीर वो यहाँ पर दे सकती है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रिहाई यहाँ पर पा सकती है और अंतरिम जमानत उनको मिल सकती है, क्योंकि हमने यहाँ कई मामलों में जमानत मिलते हुए देखा है, लेकिन कई मामले हमने ऐसे देखे हैं कि खुद उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो चाहे उनके परिवार के लोगों की तबीयत खराब हो, हमने मनीष सिसोदिया के साथ देखा उनको यहाँ पर रिहाई नहीं मिलती है। तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहा सकता कि उनको यहाँ पर रिहाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर वो कई लोगों के निशाने पर है, जैसा कि यहाँ पर आजम खान कहते हैं कि हम कई लोगों के निशाने पर है, तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अदालत में जाएंगे तो निष्पक्ष तरीके से अदालत यहाँ पर जो है जांच करेगी, उनकी बात सुनेगी और हो सकता है उनको यहाँ पर अंतरिम जमानत मिल भी सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी कि देखा जाएगा, क्योंकि अभी आजम खान ने कोई भी ऐसी अपील नहीं रखी है, तंजीम फातिमा ने ऐसी कोई अपील नहीं रखी, देखना होगा कि समाजवादी पार्टी आजम खान को लेकर क्या कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।